नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टेट, सी टेट, सुपर टेट और अन्य शैक्षिक प्रतियोगिताओं की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग के बारे में, मीन्स अधिगम, या जिसे हम सीखना भी कहते हैं। तो क्या होता है अधिगम? सामान्य शब्दों में तो कहा जाता है कि व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है, लेकिन टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई, व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तनों को हम अधिगम नहीं कह सकते या अधिगम की श्रेणी में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमारे व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन, दवा, थकान, निद्रा, भूख, प्यास या फिर परिपक्वता के कारण भी आते हैं। ऐसे परिवर्तनों को हम अधिगम के अंतर्गत नहीं रखते हैं। तो फिर किन प्रकार के परिवर्तनों को हम अधिगम के अंतर्गत रखते हैं? अधिगम के अंतर्गत केवल हम उन्हीं परिवर्तनों को रखते हैं जो कि हमारे अनुभव या अभ्यास के परिणाम स्वरूप होते हैं, तथा हमारे व्यवहार में आगे चलकर या हमारे जीवन में समायोजन स्थापित करने के लिए आवश्यक होते हैं। अब लर्निंग का वैसे तो महत्व क्या है? बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर हमारे अंदर अधिगम करने की क्षमता ना होती तो हमारी पीढ़ियाँ बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी होती। कहते हैं ना, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। तो ये लर्निंग के कारण ही पॉसिबल हो पाया है, अधिगम के कारण ही संभव हो पाया है। तो आप समझ गए होंगे कि अधिगम अभ्यास एवं अनुभव के परिणाम स्वरूप होने वाला व्यवहार में परिवर्तन है जो कि हमें समायोजन स्थापित करने में हमारी मदद करता है। इसमें एक टर्म और जुड़ता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या फिर अगर हम परिभाषित रूप से कहें तो अधिगम अभ्यास एवं अनुभव के परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अब ये अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या है? देखिए दोस्तों, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन एक खास समय अवधि है। ये समय अवधि कुछ भी हो सकती है, कुछ सप्ताह की हो सकती है, कुछ महीनों की हो सकती है, कुछ साल की हो सकती है, या फिर जीवन पर्यंत हो सकती है। तो फिर स्पष्ट हो जाता है कि जो अधिगम की प्रक्रिया है या जो हमने अधिगम किया है वो कुछ समय तक अस्तित्व में रहे। ऐसा नहीं हो कि हमने सीखा और तुरंत भूल गए, उसको हम अधिगम की श्रेणी में नहीं रखेंगे, बल्कि उसका कुछ समय तक होना अनिवार्य है। तो एक बार हम समराइज कर देते हैं कि अधिगम हमारे व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है जो हमारे अनुभव एवं अभ्यास के परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में होता है। थोड़ा सा यहाँ पे हम क्लेरिफाई कर दें अनुभव और अभ्यास को भी। देखिए, अभ्यास क्या होता है? अभ्यास जो चीज़ें हम बार बार करके सीखते हैं, जैसे हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं या बाइक चलाना सीखते हैं, तो फिर क्या होता है, पहले हमारा बैलेंस नहीं बनता है, फिर धीरे धीरे कोई हमको सपोर्ट करता है, फिर हमारा बैलेंस बनने लगता है, उसके बाद हम धीरे धीरे चलाना सीखते हैं। जब स्टार्टिंग में चलाते हैं तो क्या होता है कि हम बहुत हड़बड़ाते हैं, बहुत डरते हैं, लड़खड़ाते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में अपना बहुत अच्छे से चलाने लगते हैं, यहाँ तक कि बाद में स्टंट भी करने लगते हैं। तो ये अधिगम के परिणाम स्वरूप ही होता है, इसी को हम अभ्यास कहते हैं। और अनुभव, जो कुछ भी आपने अभ्यास किया उसका एक उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में फीड होती रहती है, ब्रेन में फीड होती रहती है, उसका एक न्यूरल स्ट्रक्चर हमारे ब्रेन में बनता रहता है। तो वही होता है हमारा अधिगम, यानी कि जो हमारे पूर्व की जितनी भी इन्फॉर्मेशंस हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं, वो सब हमारे माइंड में फीड रहती हैं। इन यही सब होते हैं अधिगम। तो अधिगम और अभ्यास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इस तरीके से हमने तीन चीज़ों पे बात की, या तीन निष्कर्ष इससे निकल के आते हैं। जो पहला है आपका अधिगम व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन। फिर दूसरा आता है ये परिवर्तन अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप होना चाहिए। अभ्यास व अनुभव। और तीसरा निष्कर्ष निकलता है कि ये अपेक्षाकृत स्थायी होना चाहिए। तो लर्निंग की डेफिनेशंस यहीं पे समाप्त होती है। तो अभी हमने समझा
अधिगम क्या है, उसका अर्थ क्या है, डेफिनेशंस क्या थी। और अब हम बात करने वाले हैं कि अधिगम पर अभिप्रेरणा का क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अभिप्रेरणा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ऐसा कहा जाता है, शोधों से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कि बिना अभिप्रेरणा के अधिगम संभव नहीं है। तो थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं कि अभिप्रेरणा है क्या। देखिए, अभिप्रेरणा एक प्रकार का आंतरिक बल होता है जो कि हमारे व्यवहार को पुश करता है, आगे की ओर धकेल देता है। याद रखिएगा, जो कुछ भी हम करते हैं जीवन में, यहाँ तक कि अगर हमने उंगली भी टेढ़ी करी है, तो ये अभिप्रेरणा के कारण ही है, मोटिवेशन के कारण ही है। वैसे तो हम मोटिवेशन को बहुत बड़े बड़े ढंग से समझते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारी जगहों पर हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। लेकिन इसका हमारे जीवन के छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अधिक अभिप्रेरणा के बिना हम कुछ भी सीख ही नहीं सकते, कुछ भी कर ही नहीं सकते। क्योंकि देखिए, अभिप्रेरणा हमारे व्यवहार को सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है, गाइड यानी कि दिशा निर्देशित करता है, और हमारे व्यवहार को बनाए रखता है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अभिप्रेरणा दो प्रकार का होता है, एक होता है जैविक और एक होता है अर्जित। एक होता है आपका जैविक और दूसरा होता है आपका अर्जित। यहाँ पे एक चीज और इंक्लूड कर ले रहे हैं, आंतरिक बल। इसको याद रखिएगा, एक प्रकार का आंतरिक बल है। तो जैविक में जैसे आपका भूख, प्यास, नींद, ये सब आ जाते हैं, जिनके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है। यदि आप खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पियेंगे और नींद नहीं लेंगे, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सब जैविक अप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। अब अप्रेरणा को थोड़ा और अच्छे ढंग से समझ लीजिए जैविक में, कि जैसे आपको भूख लगी, ये क्या है भूख। अब यहाँ पे खाना जो है आपका एक प्रकार का अप्रेरक है, भूख आपका अप्रेरक का काम करता है, या इसने आप में मोटिवेशन पैदा की कि आपको खाना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, आपका जो है दिमाग या दिशा निर्देशित हो गया, तो फिर अब हम एक दिशा में ही बढ़ेंगे आगे, हम खाने की तलाश में ही जाएंगे अगर भूख लगी है तो, ना कि पानी की तलाश में जाएंगे और ना कि सोने जाएंगे, ना कि और किसी काम में जाएंगे, बल्कि हम भोजन की तलाश में ही जाएंगे। उसके बाद पहला, इसने हमारे व्यवहार को सक्रिय कर दिया, एक्टिवेट हो गए हम कि हमको भोजन की तलाश करनी है। उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़े और वहां पे हमने क्या किया कि हम भोजन की तलाश में निकल पड़े, हमारा जो व्यवहार था वो दिशा निर्देशित हो गया। और जब तक हमें भोजन की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक ये मोटिवेशन या प्रेरणा बनी रहेगी। और फिर दूसरा बात करते हैं कि अर्जित अप्रेरक क्या होते हैं। देखिए, अर्जित अप्रेरक में आपकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जो कुछ भी हम बाहर सीखते हैं, जैसे नेम, फेम, मनी, मान सम्मान, धन पैसा, या फिर ईर्ष्या, द्वेष, ये सब सारी चीजें हम क्या करते हैं, ये सब अर्जित अप्रेरणा है जो कि हम समाज से सीखते हैं और जिनको हम प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं, क्योंकि ये हमारे समायोजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आपने जाना कि प्रेरणा में अप्रेरणा एक प्रकार का आंतरिक बल है जो हमारे व्यवहार को आगे की तरफ धकेलता है। उसके बाद ये दो प्रकार का होता है, जैविक और अर्जित। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अधिगम की, कि अधिगम में अप्रेरणा का क्या रोल है। तो देखिए, अधिगम अप्रेरणा के बिना पॉसिबल है ही नहीं, अधिगम अप्रेरणा के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अधिगम नहीं कर सकते, कोई चीज सीख नहीं सकते जब तक हमको किसी चीज की प्रेरणा ना मिले या हम उस चीज के लिए अप्रेरित ना हो। जैसे आप खाने के प्रति तब तक नहीं जाएंगे जब तक भूख रूपी अप्रेरणा आपके मन में जागृत नहीं होगी, साइकिल आप तब तक नहीं सीखेंगे, पैसा आप तब तक नहीं कमाएंगे जब तक उससे रिलेटेड अप्रेरणा आपके मन में ना आए। जब आप अप्रेरित होंगे तभी किसी काम के प्रति आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ये चीजें स्पष्ट हो चुकी होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, कि लर्निंग क्या है, फिर अभिप्रेरणा क्या है, इसका क्या रोल है हमारे अधिगम में। तो यदि आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो चीज पूछ सकते हैं। याद रखिएगा, हम लोग कॉन्सेप्चुअल चीजों पे बात करते हैं। देखिए, एक होता है फैक्चुअल, एक होता है कॉन्सेप्चुअल। अक्सर क्या करते हैं, फैक्चुअल चीजों को ज्यादा रटने में लग जाते हैं और कॉन्सेप्चुअल जो होता है उसको हम अवॉइड कर देते हैं। लेकिन हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है,
क्योंकि आप जब पेडागॉजी पढ़ेंगे, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, फैक्ट हो गया, लेकिन उसी से रिलेटेड जब पेडागॉजी आती है तो उसमें हमारा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं होगा, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक आप उस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, उन प्रश्नों का अच्छे से उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग बेसिक चीजों का ध्यान रखें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी बहुत क्लियर होनी चाहिए। और देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट यही कहता है कि आप पढ़ने से ज्यादा इसको समझिए, अपने जीवन में उतारिए। जैसे अभी हमने लर्निंग पढ़ा, तो आप लर्निंग को एनालाइज कीजिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कैसे कैसे हम लर्निंग करते हैं। और अगर हम लर्निंग ना करें या लर्निंग की प्रक्रिया हमारे जीवन में ना हो, तो हमारे जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चों में देखिए कि वो बच्चे कैसे चीजों को सीख रहे हैं, इससे क्या होगी, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होगी बहुत क्लियर हो जाएगी और आप प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसानी से सहजता से दे पाएंगे। और हाँ, लर्निंग और मोटिवेशन की वीडियो यहीं समाप्त हुई है आज, मतलब एक पार्ट खत्म हो रहा है, बट इसका एंड नहीं है क्योंकि अभी बहुत सारी चीजों को हमें पढ़ना बाकी है। तो इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए, आगे की वीडियो को देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को हमारे, कौटिल्य बलरामपुर को, और दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू।